भाई आज हम एक घोषणा उद्घोषणा करना चाह रहे हैं कि आज बृहद झारखंड और बेहतर झारखंड पे, उसके साथ बृहद झारखंड का मतलब बृहद झारखंड का जो सपना है, जो काम है आधा अधूरा है। परिकल्पित झारखंड हम लोगों का था, चार राज्यों को मिला के, जिसके जो है ना भौगोलिक सीमा से रेखांकित है, जिनकी भाषा संस्कृति में एक रूपता है, वो है जो बिहार का छोटनागपुर संथाल पुना, वो तो झारखंड राज्य बन गया, 22 साल हो गया। आप जो है आधा अधूरा रह गया है, वो है उड़ीसा के मयूरभंज के जो संबलपुर सुंदरगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के सरगुजा रायगढ़ 2 जिला, और बंगाल का 3 जिला उसको जोड़ना है, मिदनापुर बांकुड़ा पुरुलिया। ये बृहद झारखंड का हम लोग, झारखंड आंदोलन 50 साल पूरा नहीं है, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार भित्तिक जब झारखंड अलग राज्य हो गया, 22 साल हो गया, ये बृहद झारखंड का नारा स्लोगन सब एजेंडा खत्म हो गया, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं कि पुराने 2022 में और नए साल में हम लोग जाएंगे, ये बृहद झारखंड के लिए हम लोग जाएंगे। बजट सेशन मार्च में दिल्ली चलो कार्यक्रम होगा, तो चारों राज्यों के सीमावर्ती इलाके के लोग डुगडुगी पिट के हम लोग जो है राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से ज्ञापन सौंपेंगे। पाला तो यह है, और बेहतर झारखंड इसीलिए बनेगा, है ना, बेटर झारखंड बनेगा कि आज भी ST SC OBC का पुनर्गठन नहीं हुआ है। पुनर्गठन नहीं हुआ मतलब अभी भी दावे लोगों का है, भारत का संविधान में अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों का है, संविधान के अनुच्छेद 341 जो है ना वो शेड्यूल कास्ट का है, और आदिवासियों के लिए 342 जो है उसका ST के मामले में है। लेकिन ये तीनों दावे इस झारखंड में राज बनने के बाद कौन ST कौन SC कौन OBC होगा, इसका पुनर्गठन की जरूरत है। अभी मांग उठ रहा है कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए। मैं झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से व्यक्तिगत हो ही नहीं, मैं एक व्यक्ति से ऊपर समाज से बिलोंग करता हूं, मेरे समाज जाति समाज माहली समाज है, और मेरा पार्टी रूप से झारखंड पीपुल्स पार्टी है, आजसू के संस्थापक, जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि कुर्मी को ST में शामिल करने का इनकी मांग एकदम न्याय उचित है, संविधानिक है। 1913 में वो एबोरिजिनल था और 1931 तक थे, और आज भी उनको जरूरत है आना है, ये उनको शामिल करना है। उनके साथ साथ कुम्हार कमार तांती तेली घासी जो पहले आदिवासी सूची में था एबोरिजिनल में, पुनः उसको करके आदिवासी जो अब माइनॉरिटी हो गया, वो 61% हमारे आंकड़ा है। अगर ये कुर्मी जाति 20%, ये 26% आदिवासी का जोड़ देंगे तो सीधे सीधे 46 हो जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।